बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर पार्ट टू चैप्टर नंबर 8 जो आज टेस्ट हुआ है उसके डिस्कशन है। स्टूडेंट्स, इसमें हम डिटेल देखेंगे कि एक पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, किस तरह हम अपने पेपर में 100% मार्क्स गेन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके पेपर के तीन पार्ट थे, ऑब्जेक्टिव पार्ट में MCQs और सब्जेक्टिव पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ऐड थे। स्टूडेंट, एक एक एक्सप्लेन करते हैं। MCQs आपके पास 8 थे। सबसे पहला MCQ था डीबग इज द प्रोसेस ऑफ, वे नॉट डैट, इसका बी आंसर करेक्ट था, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स कॉल्ड डीबग। सेकंड MCQs था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड फॉर सी प्री प्रोसेसर, क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं सी कंपाइलेशन का पार्ट होती हैं, तो ये सी प्री प्रोसेसर के लिए कमांड दी जाती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, आपका तीसरा MCQs था, डैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, प्रोग्राम। अ प्रोग्राम डैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, फोर्थ MCQs आपका, इसका करेक्ट आंसर है मशीन लैंग्वेज। वी नो डैट पहले प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बगैर वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फिफ्थ MCQs था स्टूडेंट, फॉर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी, किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है फिर वो एग्जीक्यूट होता है। सिक्स MCQs था हेडर फाइल इन सी कंटेन लाइब्रेरी फंक्शन, हेडर फाइल में तमाम लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। इनपुट आउटपुट एंड अदर फंक्शन आर डिफाइंड इन सी लाइब्रेरीज, इसका करेक्ट आंसर है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेडर फाइल, वी नो डैट स्टूडियो कोई हमारे पास हेडर फाइल नहीं होती, हमारे पास stdio.h हेडर फाइल है, iostream.h हेडर फाइल है, conio.h है, लेकिन स्टूडियो कोई हेडर फाइल नहीं होती। द करेक्ट आंसर इज बी studio.h। उसके बाद सेकेंड पार्ट था आपके पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन, 10 शॉर्ट क्वेश्चन से 7 करने थे, हमने कैसे अटेम्प्ट करने, 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिफाइन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है फ्रेंड, शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जिस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने डिफाइन करना हो, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के दो नंबर हैं, तो आप कम अज कम 3 से 5 लाइनें उस शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। असेंबली लैंग्वेज आपने बताना है कि ये लो लेवल लैंग्वेज के टाइप है और ये कैसे कैसे काम करती है। अगर आप चाहें तो यही शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने ऐड किए हुए हैं आप लोगों के लिए आप लिख सकते हैं, आसान वर्डिंग है, अदरवाइज इससे पहले से ही आप ये याद कर चुके हैं, जहाँ से आपने याद किया है आप वही अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है स्टूडेंट, सेम इसे भी आप 3 से 5 लाइनों में डिफाइन करेंगे। कंपाइलर ट्रांसलेटर है जो सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन का रोल क्या होता है स्टूडेंट, मेन फंक्शन इंडिकेट करता है कि आपका सी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, यानी कहाँ एंड होगा। उसके बाद डिफाइन स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, वी नॉट डैट Every statement in C program must be end with a semicolon sign. That is called statement terminator. What is a header file? Header file, a group of same type of function stored in a file is called header file. जो क्योंकि ये प्रोग्राम के हेड पे आती है, स्टार्ट में आती है, इसलिए इसे header file कहते हैं। Define unstructured programming. Unstructured programming क्या होती है? In unstructured programming language, the entire logic of the program is implemented इन सिंगल मॉड्यूल, यानी इसमें पार्ट्स नहीं बने होते, पूरा प्रोग्राम एज अ सिंगल इंप्लीमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 था डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, तो स्टूडेंट जब आपने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को डिफरेंशिएट करना है तो कोशिश करें पैरेलल डिफरेंस बताएं जिससे पूरा नंबर आपको मिले, वैसे 3-3 डिफरेंस बता देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ लोडर, लोडर इज अ प्रोग्राम डैट प्लेस एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी, यानी लोडर का काम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले मेमोरी में लोड किया जाता है, तो जो प्रोग्रामर उसे लोड करता है लोडर कहलाता है। हाउ टू सेव अ प्रोग्राम इन सी, दो तरीके होते हैं,
फाइल मेन्यू में जाके सेव कमांड के जरिए भी हम उसे सेव कर सकते हैं, और F2 शॉर्टकट की के जरिए भी हम उसे प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। आप प्रोग्राम को कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सटेंशन साथ देनी होगी। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की एक्सटेंशन .c होती है। डिफाइन डेलिमिटर्स नेक्स्ट टू द फंक्शन डेफिनेशन आर ब्रेसेस विच इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फंक्शन बॉडी, यानी मेन फंक्शन के बाद जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं इस तरह की और क्लोज होती हैं डेलिमिटर्स कहलाती हैं। स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम इन सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स अकर्स एक्सप्लेन इन डिटेल। जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो कितनी एरर्स आती हैं स्टूडेंट्स? आपके तीन तरह की एरर्स आती हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। आपने इन तीनों को डिटेल से एक्सप्लेन करना था विद एग्जांपल्स, तो आपको पूरे नंबर इस पे मिल जाने थे। तो स्टूडेंट ये ग्रुप ए था। ग्रुप बी की तरफ चलें तो ग्रुप बी में भी सेम तीन पार्ट थे। एमसीक्यू वाला पार्ट था सबसे पहले, इसी तरह जिस तरह हमने ग्रुप ए को एक्सप्लेन किया, 5 मिनट में ग्रुप बी को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ग्रुप बी वालों को भी ना रहे। कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट, किस किस्म की एरर कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता? तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर इज लॉजिकल एरर। वी नो डैट लॉजिकल एरर, क्योंकि लॉजिक्स की मिस्टेक होती है, लॉजिकल एरर का कंपाइलर को नहीं पता चलता। हमें कैसे पता चलता है कि हमारे प्रोग्राम में एरर है स्टूडेंट? हमें रोम आउटपुट से पता चलता है। देखिए कोई और एरर आए तो प्रोग्राम रन ही नहीं होता, वो पहले इंडिकेट कर देता है कि प्रोग्राम में एरर है। लेकिन लॉजिकल एरर में हमें आउटपुट मिलती है, लेकिन रॉन्ग आउटपुट से हमें अंदाजा होता है कि हमारे प्रोग्राम में एरर है। सेकंड एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल लैंग्वेज? वी नो डैट फोर्ट्रान, असेंबली, असेंबलर और मशीन दोनों लो लेवल हैं और नन फोर्ट्रान हाई लेवल लैंग्वेज है। डॉट ई एक्स फाइल इज प्रोड्यूस बाय लिंकर, लिंकिंग के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। द एक्सप्रेशन इन डिफाइंड डायरेक्टिव कैन नॉट बी चेंज, द करेक्ट आंसर इज बी। सी वॉज डिजाइन टू राइट प्रोग्राम फॉर यूनिक्स, यूनिक्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सी डिजाइन किया गया था। अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। वी नो डैट इसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं या सोर्स कोड कहते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। द शॉर्टकट की टू एक्टिवेट द कंपाइलर इन सी लैंग्वेज, कंपाइलर यानी कंपाइलेशन के लिए ऑल्ट प्लस F9 जो है शॉर्टकट की यूज होती है। द लास्ट एम सी क्यूज ऑफ ग्रुप बी इज द फंक्शन फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम बिगिन, मेन फंक्शन। आप अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, स्टार्ट में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आती है, दूसरा मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट ये था एम सी क्यूज वाला पार्ट। शॉर्ट क्वेश्चन पे चलें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन था व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चर में सबसे पहला हिस्सा सी के स्ट्रक्चर में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं। आप इसे 3 से 5 लाइनों में डिफाइन करेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाइलिंग एंड लिंकिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट कंपाइलिंग प्रोसेस जो कंपाइलर करता है, लिंकिंग प्रोसेस जो लिंकन करता है, इन्हें आप डिफरेंस बताएंगे, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। व्हाट इज मीन बाय आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसे डिफाइन कर दीजिएगा कि वो जो नेसेसरी स्टेप्स सी को प्रिपेयर करने के लिए दिए जाते हैं, वो तमाम आईडीई के अंदर ही हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, लोड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। व्हाट इज लिंकर? लिंकर इज अ प्रोग्राम डैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल ऑब्जेक्ट फाइल दैट मे बी नीडेड फॉर द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट एंड देव द फाइनल मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लिंकर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 था डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ सी। मेन चीज़ें इसमें आपने बतानी है, किसने बनाई? डेनिस रिची ने। कब बनाई? 1972 में। कहाँ बनाई? ATT बेल लेबोरेटरीज में। डिफाइन डीबगिंग, हमें पता है प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड करना और उसे रिमूव करना डीबगिंग कहलाता है। वाई लॉजिकल एरर्स आर डिफिकल्ट टू लोकेट इन प्रोग्राम? वी नो डैट, हमने पढ़ा था क्योंकि लॉजिकल एरर लॉजिक्स की मिस्टेक होती हैं। तो कंप्यूटर तो लॉजिक्स नहीं समझता, कंप्यूटर को तो हम जिस तरह की काम इंस्ट्रक्शन देंगे उस तरह के टास्क परफॉर्म करता है, तो इसीलिए लॉजिकल एरर नहीं कंप्यूटर समझता, क्योंकि हमें आउटपुट मिल जाती है और हमें रॉन्ग आउटपुट से अंदाजा होता है कि हमारे प्रोग्राम में एरर है। डिफाइन सिंटैक्स एरर, जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सिंटैक्स कहलाते हैं। जब आप उन रूल्स की वायलेशन करेंगे तो जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर कहलाएगा। जब आप इसे 3 से 5 लाइनों में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे।
define structured programming. In structured programming language, the entire logic of the program is divided into number of smaller modules. यानी छोटे-छोटे parts में divide कर दिया जाता है. Define object code. Machine translated form of source program is called object code. यानी जब आप अपने प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है. स्टूडेंट, ये था आपके शॉर्ट क्वेश्चन. एक लॉन्ग क्वेश्चन था, डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सप्लेन लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपका चैप्टर नंबर 8 का पहला टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर था. स्टूडेंट, आपने इसे डिफाइन करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, यानी कि कंप्यूटर से इंटरेक्शन के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं. फिर आपने इसकी दो टाइप्स होती हैं, हाई लेवल लो लेवल. लो लेवल को डिफाइन करेंगे, फिर उसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. उन दोनों को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और फिर हाई लेवल लैंग्वेज को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी एग्जांपल बताएंगे, जैसे फोरट्रान, बेसिक, जावा, सी और सी प्लस प्लस. तो आपको पूरे स्टूडेंट्स 8 नंबर इसमें मिल जाएंगे. तो स्टूडेंट, आसान तरीका होता है पेपर अटैम्प्ट करने का, थोड़ी सी मेहनत के साथ हम कंप्यूटर में ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, तो वो ज़रूर किया करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे. मुझे उम्मीद है जो गलतियां आपने इस पेपर में की होंगी, नेक्स्ट पेपर में आप वो गलतियां नहीं करेंगे. बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.